हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जी एस फोरम। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जी एस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट आज बीपीएससी से रिलेटेड देने जा रहा हूँ, जिसमें जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं और 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को भी लेकर बहुत बड़ी अपडेट है, जो कि दैनिक भास्कर में ये पब्लिश किया गया है। तो बीपीएससी के 5 रिजल्ट का ग्रहण, जनवरी की परीक्षा मुश्किल, 2-3 अधिकारियों को छोड़ 40 कर्मचारी कोरोना की चपेट में, 67वीं पीटी अप्रैल तक। तो टोटल जानकारी इसमें आपको मिलेगी। तो बीपीएससी कैंडिडेट्स के लिए कई सवालों के जवाब मिले हैं कि परीक्षा कब तक होगी 67वीं की, मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा, ऑडिटर पीटी का रिजल्ट कब आएगा और सहायक ऑडिटर का जो परीक्षा है वो कब होगा। ठीक है, तो आइए डिटेल में देखते हैं क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ी खबर यह है कि कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में बीपीएससी से भी जुड़े जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए कैंडिडेट असमंजस में। सबसे बड़े चिंता का सवाल यह है कि 67वीं पीटी का रिजल्ट, 67वीं पीटी कब होगा, मेंस का रिजल्ट कब आएगा और ऑडिटर का पीटी का रिजल्ट कब पब्लिश किया जाएगा। ये एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक बीपीएससी के लिए आप लोग कह सकते हैं कि चिंता का विषय है। आयोग को 2-3 अधिकारियों को छोड़कर लगभग 40 स्टाफ कोविड पॉजिटिव है। ठीक है, खुद परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार सर भी पॉजिटिव है। तो बीपीएससी में जो लगातार जो भीड़ बढ़ रही है वो बीपीएससी जो रेगुलर हुआ है पिछले 5 से 6 साल, 2015-16 से। तो बीपीएससी परीक्षा में बढ़ कैंडिडेटों की सबसे बड़ी वजह है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में वैकेंसी नहीं के बराबर है और बीपीएससी समय से ले रहा है सारे एग्जाम्स को। स्थिति ठीक होते ही जुडिशरी का रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा, जिसका वेट बहुत लोग कर रहे हैं। एपीओ मेंस का रिजल्ट भी, मेंस का एग्जाम भी बहुत ही जल्द कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी ये बहुत बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी अपडेट ये निकल गया कि 67वीं पीटी का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में ही कराने की तैयारी में है बीपीएससी। जैसे कोविड का दौर, मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि 67वीं पीटी का एग्ज़ाम अप्रैल में ही होगा, तो आप लोग अप्रैल मान के तैयारी करें और जनवरी और फरवरी के मिड तक, मतलब फरवरी के मिड या फरवरी के लास्ट में आपको शायद इसका ऑफिशियल अपडेट मिल जाए। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है। सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है बीपीएससी के, जुडिशरी के रिजल्ट को लेकर कब से कब इसको दिया जाए। ठीक है, जिससे कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको राहत मिल पाए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये जो सबसे बड़ी अपडेट है कि आपका जो बैक टू बैक जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, जैसे कि कला एवं संस्कृति पदाधिकारी का, फिर आपका ये मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, फिर ये 3 असिस्टेंट इंजीनियर के और CDPO के, तो ये सब एग्ज़ाम हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसके भी कोई गारंटी नहीं है और अभी तक आयोग से कोई लिखित पोस्टपोन करने का आदेश नहीं दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चिंता का विषय ये है कि 67वीं बीपीएससी का पीटी का रिजल्ट अप्रैल में ही होगा और इसकी असमंजस कोरोना जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद ये स्पष्ट कर दिया जाएगा, मतलब कि जनवरी के लास्ट में या 15 फरवरी के बाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो ज़्यादा से लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जी एस फोरम। कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन और बीपीएससी CDPO का, जहाँ तक एग्जाम का पीटी का रिजल्ट एग्जाम की बात है, तो अगर 6 फरवरी को नहीं हुआ तो ये एग्जाम अप्रैल में ही जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जी एस फोरम। थैंक यू।